अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी पढ़नी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में कि पूरी फार्माकोलॉजी की बेस है। आपको ये अच्छे से आनी चाहिए तो आपके लिए आगे फार्माकोलॉजी इंशाल्लाह ईजी होगी। तो स्टार्ट करते हैं, और हर चीज़ की तरह हम इसको भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, और ये जो बुक का आपका चैप्टर वन है उसके अकॉर्डिंग है। बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर भी हमने थोड़ी सी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत करेंगे डिस्कस दोनों सिस्टम्स के, कि किस तरह फाइबर्स होते हैं, रिसेप्टर कहाँ पर ये वो। लेकिन जो हम मेन अपना टाइम देंगे वो हम देंगे रिसेप्टर्स को, ठीक है। मेन हमने किसको टाइम देना, रिसेप्टर्स को टाइम देंगे, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह के सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, और ये सब चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो सिस्टम है वो आपको काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल आइडिया बनाया कि ऑटोनॉमिक हमारा जो फाइट वाला है, और ये ऑटोनॉमिक के काम होते हैं, रेस्ट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज। हर वक्त ये सिस्टम हमारा काम कर रहा होता है। इसका थोड़ा सा ये ओवरव्यू है कि हमारे पास नर्वस, ये पुरानी बात है, आपको पता है नर्वस सिस्टम के अंदर सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट होते हैं। पेरिफेरल के अंदर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक होते हैं। सोमैटिक हमारा काम होता है स्केलेटल मसल्स पर, ठीक है। जो वॉलंटरी कंट्रोल में हमारा है वो सोमैटिक नहीं करना है, बट जो हमारा इनवॉलंटरी कंट्रोल है जिसमें ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ के, आई के, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, पूरी बॉडी में जहाँ भी स्मूथ मसल्स हैं, प्लस ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, आई के अंदर स्मूथ मसल्स हैं, हर जगह को कंट्रोल कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, प्लस कार्डियक मसल्स, तो इन सब को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक फर्दर सिंपथैटिक एंड पैरासिंपथैटिक होता है। कभी कभार हम फाइट इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तब ये एक्टिवेट होता है, रेस्ट के अंदर पैरासिंपथैटिक एक्टिवेट होता है। अब हम आगे चलें तो आगे है एनाटॉमी। मैंने आपसे कहा था पहले हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, देन फिजियोलॉजी, और फिर रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। ये एक दो वीडियोस में होने के बाद फिर हम फाइनली ड्रग्स की बात करेंगे, और ड्रग्स तभी आपको समझ आएंगे जब आपको ये चीज़ें आती होगी। तो एनाटॉमी के अंदर आपको मैं बताती हूँ, आप इमेजिन करें कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मैंने बनाया हुआ, ठीक है। ये ब्रेन मैंने ऊपर बनाया, ये ब्रेन एंड दिस वन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना। ये ऊपर वाला पार्ट है सर्वाइकल, जो ब्रेन के साथ है, उसके नीचे है थोरेसिक, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे सबसे ऊपर है सर्वाइकल, देन थोरेसिक आ जाता है ये रीजन, फिर उसके बाद लंबर आ जाएगा, और फाइनली नीचे क्या होगा, सैक्रल होगा। अब स्पाइनल नर्व्स की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हर स्पाइनल नर्व के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड ऑटोनॉमिक। लेट्स से ये स्पाइनल नर्व है तो इसके अंदर ये तीन कॉम्पोनेंट्स होगा, सेंसरी होगा, मोटर होगा एंड ऑटोनॉमिक होगा। अब जो सी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं थोरैको लंबर लेवल पे, यानी थोरेसिक और लंबर लेवल से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उनके अंदर भी तीन कॉम्पोनेंट्स होंगे। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होंगे, सेंसरी, वेट अ मिनट, कौन कौन से होंगे, सेंसरी, सेंसरी, मोटर प्लस ऑटोनॉमिक में सिंपथैटिक का कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है। तो जो थोरैको लंबर है वहाँ पे ऑटोनॉमिक कॉम्पोनेंट हमारा कौन सा होता है, सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटफ्लो क्या है, थोरैको लंबर आउटफ्लो, ओके। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैरासिम्पथैटिक की, उसके लिए पैरासिम्पथैटिक का आउटफ्लो होता है फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। यानी कि ब्रेन से हमारे पास क्रेनियल आउटफ्लो थोड़ा सा होता है उसका, ओके, क्रेनियल आउटफ्लो प्लस सैक्रल। तो ये जो क्रेनियो सैक्रल है ये होता है पैरासिम्पथैटिक आउटफ्लो, वेयर एज जो हमारे पास होता है थोरैको लंबर ये रीजन होता है सिंपथैटिक आउटफ्लो। तो ये आपने बात याद रख ली, ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या बात की कि जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम है उसका आउटफ्लो क्या होता है, थोरैको लंबर आउटफ्लो। अगला पॉइंट ये है कि जो हमारे पास नर्व्स निकलती है, ये लेट्स से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ से नर्व्स निकली। अब ये डायरेक्ट तो इफेक्टर के पास नहीं ना जाती, ये पूरी नर्व है, ठीक है, ये डायरेक्ट तो इफेक्टर के पास नहीं ना जाती है, तो गलत हो जाएगा तरीका। हमारे पास स्पाइनल नर्व्स किस तरह से जाती हैं, आपको पता है बीच में गैंग्लियन आते हैं, ठीक है। जो सिंपथैटिक है ना उसके गैंग्लियन करीब ही पड़े होते हैं, वर्टिब्रा के आसपास ही, तो यहीं गैंग्लियन आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ गैंग्लियन आ जाएंगे, और यहाँ से फिर नए फाइबर स्टार्ट होंगे, वो भी सिंपथैटिक होंगे, और ये जाएंगे इफेक्टर्स के पास, ठीक हो गया। तो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स
छोटे होते हैं, स्मॉलर प्री गैंग्रियोनिक फाइबर्स एंड लॉन्गर पोस्ट गैंग्रियोनिक फाइबर्स। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि छोटा क्या बड़ा क्या, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने लगी, अब वो आपने गौर से सुन लो। वो ये है कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, थोड़ा पीछे करके बनाते हैं ताकि हमें स्पेस ज़्यादा मिले। ओके, ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब यहाँ से फाइबर्स निकले, यहाँ से फाइबर्स निकले, ठीक, इन्होंने रिले किया गैंग्लियोन में, यहाँ से नए फाइबर्स निकले और वो पहुँचे कहाँ पे, इफेक्टर्स के पास। अब ये जो फाइबर्स हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इन्होंने कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ किया, तो ये आपने याद रखना है, इन्होंने रिलीज़ करना है एसिटाइल कोलिन। क्या रिलीज़ करेंगे? एसिटाइल कोलिन, ठीक हो गया। तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो रिलीज़ करेंगे एसिटाइल कोलिन, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो रिलीज़ करते हैं, सिंपथेटिक के केस में डिफरेंट है, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सब रिलीज़ कर सकते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के लिए जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है दैट इज़ एसिटाइल कोलिन, वेरस पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या होगा, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर एसिटाइल कोलिन सिंपथेटिक के केस में। ये बात एक दफ़ा, अब ये इसको थोड़ा सा और डिटेल से देखते हैं। सेंट्रल, एक बात ना, एक जनरल आपको पॉइंट बता देती हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। जो फाइबर्स ब्रेन से निकलेंगे प्लस जो फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे, हर फाइबर जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, ये एक टिप समझ लें, ये आपने कभी नहीं भूलना, जो फाइबर डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलता है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, जो मर्जी फाइबर, सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, सिंपथेटिक, पैरासिंपथेटिक, सब के सब कोलिनर्जिक होते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक हो, प्री गैंग्लियोनिक पैरासिंपथेटिक हो, सोमैटिक हो, जब वो डायरेक्टली मैं कह रही हूँ कि ब्रेन से निकल के आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रहा है, तो वो क्या होगा, एसिटाइल कोलिन ही रिलीज़ करेगा, ये लाजमी बात, ये रूल समझ लो। फिर ये गैंग्लियोन में रिले करेगा, अब ऑब्वियसली एसिटाइल कोलिन के लिए कोई रिसेप्टर होना चाहिए ना गैंग्लियोन में, तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आगे सब कुछ करेंगे, बस आपने इतना याद रखना है कि जो गैंग्लियोन के अंदर रिसेप्टर पड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एन निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर्स, ये होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने कहा कि जो स्पाइनिक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है, थोरैको लंबर उसका आउटफ्लो है, ठीक हो गया। दूसरी बात, गैंग्लियोन प्रेजेंट होते हैं प्री वर्टिब्रल और पैरा वर्टिब्रल रीजन के। देन प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर शॉर्टर वेयर एज पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स आर लॉन्गर। ओके, अब अगली बात जो इम्पॉर्टेंट है इन सब बातों में से, वो क्या हमने कही, हमने कहा कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो निकलते हैं दे आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का मतलब समझ लें, कोलिनर्जिक का मतलब है कि दे रिलीज एसिटाइल कोलिन, ठीक हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा वो डार्क हो गया। ओके, तो कोलिनर्जिक का क्या मतलब है कि दे रिलीज एसिटाइल कोलिन प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट पे, और वहाँ पे रिसेप्टर्स कौन से होंगे, एन एन रिसेप्टर्स, ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या है, ये मैंने वही जनरल रूल रिवाइज किए, क्या है कि जितने भी न्यूरॉन्स जो CNS से डायरेक्टली निकलते हैं, बेशक वो ऑटोनॉमिक हों, सोमैटिक हों, सिंपथेटिक हों, पैरासिंपथेटिक हों, दे ऑल आर कोलिनर्जिक। कोलिनर्जिक का मतलब है कि वो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करेंगे एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और आगे जो रिसेप्टर होगा, ये रिसेप्टर वो कौन सा होगा, यहाँ मैं लिख रही हूँ, दे इट वुड बी एन एन रिसेप्टर, निकोटिनिक एन टाइप रिसेप्टर। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स मैंने आपको अभी भी बताया था कि हमारे पास ये है स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर निकला प्री गैंग्लियोनिक, इसने क्या रिलीज़ किया, एसिटाइल कोलिन, आगे आ गया गैंग्लियोन, गैंग्लियोन में कौन सा रिसेप्टर था, निकोटिनिक एन टाइप। फिर यहाँ से नए फाइबर्स निकल रहे हैं, दे आर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, और यहाँ पे क्या हमारे पास इफेक्टर है, ठीक। अब ऑब्वियसली पोस्ट गैंग्लियोनिक में तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना है ना, तो सिंपथेटिक के केस में चार तरह के ये रिलीज कर सकते हैं, नोरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एसिटाइल कोलिन एंड डोपामिन, ठीक हो गया। तो ये चारों न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिलीज करते हैं, मोस्टली पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स रिलीज नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, यानी कि प्री एंड पोस्ट सेम हो जाएगा। रीनल ब्लड वेसल्स के अंदर डोपामिन रिलीज होता है, और मेडल्ला के अंदर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते ही नहीं है, उसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक जाते हैं
तो मिडिला खुद फिर सिक्रीट करता है नोरेपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन को। ठीक हो गया, ये आइडिया है। आगे मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, ओके। तो आगे हम डायग्राम से करते हैं। ये बुक की डायग्राम है कैटजन की। इसके अंदर ये देखिए आप कि हम अपना पेन ले लेते हैं। इसके अंदर क्या था, मेडला आ गया नीचे सेक, ये सेक्रम का लेवल है, ये मेडला का लेवल है। बट इज हैपनिंग, दिस इज़ द लेवल ऑफ मेडला एंड दिस इज़ द लेवल ऑफ सेक्रम। ये जो लेवल है हमारा, ये थोरैको लंबर लेवल। तो यहाँ से जो फाइबर्स निकले वो कौन से होंगे, सिंपथेटिक। तो हमने इन फाइबर्स को देखना है जो हमारे थोरैको लंबर लेवल से निकले। इसमें देखें आप प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे, यही गैंग्लियन आ गया ना, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर छोटे हैं और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं दे आर लार्जर एज कम्पेयर टू द पैरासिम्पथेटिक। ओके, तो ये क्या हुआ, हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स स्मॉलर हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्गर हैं। अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या रिलीज करें, एसिटाइल कोलीन और रिसेप्टर है एन एन टाइप। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने क्या रिलीज किया, ये आप देखें, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ने रिलीज किया एसिटाइल कोलीन वेयर एज द रिसेप्टर इज एन एन टाइप। एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स की अगर हम बात करें, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या रिलीज करेंगे, वो डिफरेंट चीज़ें रिलीज कर सकते हैं, वही हमने जो बात की, दे कैन रिलीज नोरेपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, एसिटाइलकोलीन रिलीज कर सकते हैं, लेकिन रिसेप्टर्स का फ़र्क होगा। अब ये जो यहाँ पे रिसेप्टर होगा एसिटाइलकोलीन के लिए, दैट वुड बी अ मस्कलिनिक रिसेप्टर। रिसेप्टर पे आपने परेशानी होना, उनकी डिटेल्स बाद में करी। अभी आपको न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से आने चाहिए। नोरेपिनेफ्रीन रिलीज होगा तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे, डोपामिन होगा तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर होंगे। और मेडल्ला के अंदर अभी मैंने आपको बताया कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते ही नहीं, उसमें डायरेक्ट एसिटाइलकोलीन जाएगी और मेडल्ला खुद रिलीज़ करेगा नोरेपिनेफ्रीन एंड एपिनेफ्रीन। ठीक, आगे चलते हैं। ये फिर से वही बात आ गई कि थोरैको लंबर आउटफ्लो हमारा होता है और वहाँ से सिंपथेटिक फाइबर्स निकलते हैं, बीच में गैंग्लिया है। तो ये आप एक दफ़ा वीडियो पोस्ट करके देख लें इसकी डिटेल, आगे ये हम बाद में करेंगे। अब हम एनाटॉमी डिस्कस करेंगे पैरासिम्पथेटिक की और फिर उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजियोलॉजी पर से बताऊँ। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो होता है, ये हमने कर लिया हुआ है। ठीक है, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो में हमारे पास 3, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व्स। ये चारों क्रेनियल नर्व्स, वेगस का आपने नाम सुना होगा, बाकी भी चारों जो है तीनों हैं, इनके अंदर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स, इनके अंदर पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स होते हैं। इनके जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लॉन्गर होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होते हैं, या ऐसा है। ये क्यों होता है, देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे, लेट्स से सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये इफेक्टर है, तो इसका गैंग्लियोन ना सब मैंडिबुलर ग्लैंड का यहीं कहीं पड़ा होगा। स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर शुरू हुए हैं, क्रेनियल नर्व सॉरी, कहाँ से शुरू हुई है, ब्रेन से आती जाएगी, यहाँ इसका गैंग्लियोन है, पूरा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है और आगे जाके इधर आके पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो इतना सा फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स छोटे होंगे। फिर यही पुरानी बात है कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स तो आपको पता है ना कि कोलिनर्जिक ही होंगे, इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक भी कोलिनर्जिक है, ये आसान बात है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर्स निकले लंबे प्री गैंग्लियोनिक, इन्होंने क्या रिलीज़ किया, एसिटाइल कोलिन, आगे आगे गैंग्लिया, फिर आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शुरू हुए, आगे आगे इफेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा और यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा। रिसेप्टर्स का फ़र्क हो, गैंग्लियन में रिसेप्टर आपका कौन सा होना है, एन एन टाइप, यहाँ पे रिसेप्टर कौन सा होगा, मस्कलिनिक टाइप। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है। पोस्ट गैंग्लियोनिक के अंदर रिसेप्टर्स कौन से होंगे, मस्कलिनिक टाइप। प्री गैंग्लियोनिक के अंदर रिसेप्टर्स कौन से होंगे, निकोटिनिक एन टाइप। ठीक, और यही देखें, ये मैंने रिवाइज कर दिया, रिसेप्टर्स फॉर प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलीन निकोटिनिक, एक जनरल स्टेटमेंट। पोस्ट गैंग्लियोनिक के लिए एसिटाइलकोलीन अगर ट्रांसमीटर तो रिसेप्टर्स मस्कलिनिक, और ये बाकी अगला पॉइंट हम बाद में करें। ठीक हो गया, अब इतना आप अच्छे से करें और देन हम